लगाव बोली आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और मैं पहली बार एक लाइव शो कर रही हूँ जो लाइव जैसे हम शूट कर रहे हैं वैसे टेलीकास्ट हो रहा है, तो बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि लाइव में हम शोज पे कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, स्पेशली मी, तो एडिट का ऑप्शन होता है लेकिन लगाओ बोली में वो शायद ऑप्शन नहीं होगा, तो हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप घर बैठे लगाओ बोली का ऐप डाल के आप गाड़ी के लिए बिड कर सकते हो, और इनफैक्ट जिसकी जिसका बिड सबसे कम होगा उसे गाड़ी मिलेगी। तो मैं घर पे शिरीष और बच्चों को बोल के आई हूँ कि बिडिंग चालू रहनी चाहिए। इसके पहले अर्चना गुणसिंह कर रही थी ये शो, फर्स्ट अच्छा सीजन या अच्छा सेकंड सीजन। हाँ फर्स्ट जी सीजन आपने कभी देखा था मैंने पहले देखा सीजन था, के हाँ बारे जी में? देखा था मैंने, हाँ किस पहले तरह का सीजन रहा है? बहुत एंटरटेनिंग था, और हैट्स ऑफ जो कॉम्पेज हैं इस टाइम परितोष और अनीता है, उनको 1 घंटे तक नॉन स्टॉप लोगों को एंटरटेन करना है जब तक ये बोलियाँ आ रही है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्क्रिप्टेड ज़्यादा होगा नहीं, तो आई एम ऑल्सो स्केर्ड, मुझे कोई स्क्रिप्ट दी नहीं है इन्होंने। कितना नर्वसनेस है आपको फील हो रहा है इस नहीं वक्त? मुझे नर्वस नहीं फील हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे को थोड़ा बच के चलना चाहिए क्योंकि अनाप शनाप कुछ भी ना बोल दूँ मैं। हाँ वो लाइव जाएगा। हाँ इसके अलावा मैम, आपकी फिल्म आ रही है रोहित, आ रही है, नहीं अभी रोहित टाइम है। शेट्टी के साथ में हाँ जी रोहित कोलैबोरेशन तो है और उसको मैं आप देख रहे हैं? मिलके एक फिल्म, मतलब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, उसके बारे में हम आपको 1 महीने के अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होपफुली आ जानी चाहिए, जब तक मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ओके मैम, ओटीटी ओके प्लेटफॉर्म में क्या कहना चाहेंगे, कितना विश्व स्कोप मानती है आप यंगस्टर्स के लिए और हम आपको देख पाएंगे? ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो मैं ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ जो एक एक्सक्यूज मी सॉरी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की आई थिंक मुझसे बड़ी फ़ैन कोई नहीं होगी, मैं हर प्लेटफॉर्म मेरे टीवी पर है और मैं हर जो भी शो मतलब गरम होता है मैं वो देखती हूँ। आई एम अ जंकी मतलब टीवी जंकी। नेटफ्लिक्स के लिए मैं ऑलरेडी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ जो शिरीष डायरेक्ट कर रहे हैं, मिसेस सीरियल किलर, उसमें जैकलिन है, मनोज बाजपेयी है, मोहित रैना है। तो आई थिंक जो चीज़ें हमें कभी फिल्मों में नहीं करने मिलती, क्योंकि बहुत सारे फिल्मों की डिमांड्स होती हैं, कमर्शियल डिमांड्स होती है, गाने चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारी चीज़ों से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मुक्ति मिल जाती है, ये सब का ध्यान देना नहीं पड़ता है। दे जस्ट वांट कंटेंट, और जितना अतरंग आपका कंटेंट हो उतना बेटर है। तो फॉर ऑल पीपल हु डोंट वांट टू गो द कमर्शियल, गिवन टू द कमर्शियल डिमांड्स, आई थिंक देर इज नथिंग बेटर देन ओटीटी प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट करते हम आपको देख पाएंगे आगे चलकर कुछ, अगर अच्छा कुछ मिले आपको ओटीटी तो पे क्या करना चाहिए? 100% 100%, क्योंकि ये दिस इज़ अ वे ऑफ द फ्यूचर नाउ, एंड मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अभी 27 ईयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में, एंड थैंक्स टू ओटीटी एंड ऑल आई थिंक और 27 ईयर्स मुझे काम मिलेगा, क्योंकि कंटेंट मेकर्स की चांदी नहीं भाई, कंटेंट मेकर्स का सोना है आजकल। ओके।